now the question is here. I again repeat this. Design the DFA over sigma equal to AB is given here. पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि स्टार्ट विथ ए एंड एंड्स विथ बी. नाउ दूसरा इसमें मैंने दिया स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ डिफरेंट सिंबल. थर्ड पार्ट इसका है कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ सेम सिंबल. लेट्स ट्राई टू डू द बाई वन बाई वन. तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया है कि जिसका स्टार्टिंग ए है और एंडिंग विथ बी है, तो दैट मीन्स सिग्मा इज गिवेन हियर ए बी. इसकी जो लैंग्वेज बनेगी, स्टार्टिंग विथ ए बी का मतलब क्या हुआ, सॉरी ए से स्टार्ट हो और बी से खत्म हो, तो मिनिमम ए बी हो गया. देन अगेन यू कैन टेक ए ए एंड लास्ट में बी ले लिया. आपने ए बी 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 ले लिया, ये भी इसमें पॉसिबल है कि स्टार्टिंग ए है एंडिंग विथ बी है. तो यानी कि इन बिटवीन कितने भी ए और कितने भी बी आ सकते हैं यहाँ पे. तो लाइक दैट दिस इज द स्ट्रिंग एंड सो ऑन. देयर आर सो मेनी स्ट्रिंग, इनफाइनाइट स्ट्रिंग यू कैन से. तो व्हाट आई सेड इन द प्रीवियस क्वेश्चन के स्टार्टिंग विथ ए, सबसे पहले मिनिमम स्ट्रिंग हम डिजाइन करेंगे. व्हाट विल बी द मिनिमम स्ट्रिंग इन दिस क्वेश्चन, दैट इज द ए बी. तो ए बी के लिए अगर हम यहाँ पे डीएफए डिजाइन करेंगे तो क्यू नॉट को जब हमने ए दिया तो ये क्यू वन पे आ गया. इसी तरह से क्यू वन को जब हमने बी दिया तो ये क्यू टू पे आएगा और क्यू टू को हम यहाँ पर फाइनल स्टेट बना देंगे. क्यू टू को फाइनल स्टेट बनाने के बाद अब हम वापस क्यू नॉट पे आएंगे. Q0 को जब A मिला तो Q1 चला गया, बट वॉट अबाउट द B? B इसको अगर हम देते हैं तो इसे हमें डेड स्टेट पे भेजना पड़ेगा. डेड को मैंने D लिया और यहाँ पर इसके इनपुट B को भेजा. रीजन क्या है, इफ यू आर मेकिंग दिस वन एज अ सेल्फ लूप, इसका मतलब स्टार्टिंग विथ B भी हो सकता है, जबकि स्टार्टिंग कैरेक्टर है और एंडिंग विथ B होना है, इसलिए B को डेड पे भेजना जरूरी होगा Q0 का. Q1 का B मिला तो आगे चला गया, बट Q1 का अगर A मिले तो हम क्या करें, इसे सेल्फ लूप पे डाल सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो एक A के बाद कितने भी बिटवीन में A आ सकता है, तो हमने इसे A यहाँ डाल दिया, क्योंकि A के बाद कितने भी A आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में हमें B मिलना चाहिए, वो मिल रहा है, तो यहाँ पर आ गया. नाउ Q2 का अगर हमें क्या मिले, A मिले तो हम इसे क्या करें, अगर A मिलता है तो इसको हम यहाँ पे Q1 पे भेजेंगे. क्यों भेजेंगे, ए के बाद बी आना जरूरी है, लास्ट का कैरेक्टर बी, तो पहले क्यू यहाँ क्यू टू से क्यू वन पे भेजा, ए आया वापस जाएगा तो बी मिल जाएगा, दैट मीन्स दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. वॉट अबाउट द क्यू टू का बी अगर आए तो हम उसको यहाँ सेल्फ लूप पे डालेंगे, क्योंकि लास्ट में बी आना है, तो कितने भी बी आए लास्ट में, देखिए ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पर कितना भी बी आए तो ये सेल्फ लूप पे घूमता रहेगा. तो दिस इज द आंसर हियर. तो आप देखिए यहाँ पे तीन स्टेट थे और रहा यहाँ डेड स्टेट का जो इनपुट होगा, दैट इज ए कॉमा बी, वो हमने एज इट इज बना लिया. तो दिस इज द डायग्राम ऑफ स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ बी. नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट आई आस्क, हाँ बोलो बेटा. इसमें क्यू टू में बी हम डेड स्टेट में नहीं भेज सकते, क्यों भेजोगे बेटा, मल्टीपल बी चाहिए ना लास्ट में. ये देखिए आप ये वाला क्वेश्चन उठाओ यहाँ पे, अगर आपने डेड स्टेट पे भेज दिया तो लास्ट में केवल एक ही बी आ सकता है. हमने यहाँ पे बोला कि एंडिंग विथ बी होना चाहिए, आपको मैंने ये नहीं बोला कि लास्ट में केवल एक बी होना चाहिए. अगर मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा तो ये क्या है, ये डबल ए बी तक तो लेगा, बाकी की ये जो बी है इनको आपने डेड स्टेट पे भेज दिया तो ये यहाँ डेड पे कनेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब वो एक्सेप्टेबल नहीं है, जबकि ये स्ट्रिंग भी इस लैंग्वेज के द्वारा एक्सेप्टेबल है. लास्ट में बी आ रहा ना, वो बोल ये थोड़ी बोल रहा है कि बीच में ए और बी के कितने भी कॉम्बिनेशन नहीं आएंगे, तो हम यहाँ डेड स्टेट पे इसे नहीं भेज सकते. क्लियर? यस मैम, ठीक. अगर आपने उसे डेड पे भेज दिया तो इसका मतलब एंडिंग विथ सिंगल बी हो जाएगा, और एंडिंग विथ आप हमारा लास्ट में बी मिलना जरूरी है, उसके पहले कितने भी मिले. नाउ द सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हमने क्या लिया है इसी का, कि स्टार्टिंग अगर ए से हो रहा है तो एंडिंग विथ बी, मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ डिफरेंट कैरेक्टर, दैट मीन्स योर लैंग्वेज विल कंटेन लाइक दैट. अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो बी पे खत्म हो, अगर बी से स्टार्ट हो रहा है तो ए पे. मिनिमम स्ट्रिंग ये हो गई, मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए ए ए बी हो सकती है. देखिए यहाँ पे स्टार्ट विथ ए है तो एंडिंग विथ बी, अगर बी ए ए भी हो सकता है, कि यहाँ पे देखिए एंडिंग विथ ए है स्टार्टिंग विथ, दोनों डिफरेंट होना चाहिए, इन बिटवीन कुछ भी आ जाए. ये देखिए मैंने ऐसा ले लिया, तो स्टार्टिंग विथ ए एंडिंग विथ बी एंड सो ऑन. तो आप ये इसका मतलब है कि आप देखिए ए और बी से किसी से भी स्टार्ट हो, तो हमारे पास जो डायग्राम बनेगा हमने क्या लिया, मिनिमम के लिए बनाएंगे, एक ये हो सकता है एक ये. तो हमने क्या लिया, क्यू नॉट को जब ए दिया तो ये क्यू वन पे आ गया, और क्यू वन को अगर हमने बी दिया तो ये क्यू टू पे आया, और क्यू टू को हमने यहाँ फाइनल बना लिया. सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करें, कि क्यू नॉट को अगर हमने बी दिया तो हमने कहा क्यू थ्री पे चले जाओ, आई मीन ये वाला ले रहे हैं हम बी ए.
देन हमने यहाँ पे लिया, अगर Q3 को A मिलता है तो हमने कहा Q4 पे चले जाओ, और Q4 को भी फाइनल बना दिया। तो हमने दो रास्ते बनाए कि इनिशियल स्टेट दो तरीके से चालू हो सकता है, आइदर स्टार्टिंग विथ A और आइदर स्टार्टिंग विथ B। तो A से स्टार्ट हो रहा है तो B पे खत्म होगा, और B से स्टार्ट हो रहा है तो A पे खत्म हो रहा है। अब इनको जस्टिफाई कर लेते हैं, Q0 का A B जस्टिफाइड है, A इधर जा रहा है B इधर जा रहा है, बट Q1 पे आ जाते हैं, Q1 को B मिल रहा है तो आगे जा रहा है बट A मिल रहा है, तो हमने इसको सेल्फ लूप पे डाल दिया। इसी तरह से Q2 पे आ जाए, एंडिंग विथ B हो रहा है यहाँ पे, तो अगर इसका B मिलता है तो इसको यहाँ पे डाल दो, और A मिलता है तो अभी आपको मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया है, इसको यहाँ भेज दो, A यहाँ है वापस B पे आएगा तब ये खत्म होगा। सिमिलरली यहाँ पर Q3 को A मिला तो आगे बढ़ गया, बट Q3 का अगर B मिल रहा है तो हमने इसे सेल्फ लूप पे डाल दिया जैसा ऊपर किया। Q4 को अगर यहाँ पर A मिलता है तो ये इसके सेल्फ पे आ जाएगा, बट B मिलता है तो इसे हमने वापस यहाँ पर Q3 के पास भेज दिया, और B यहाँ, तो B आया तो ये वापस चला गया, जब A आएगा तब एंडिंग होगा यहाँ पे। तो आप देखिए सभी का जस्टिफिकेशन हो गया, यहाँ पे कोई डेड स्टेट भी नहीं आया। तो दिस इज द डायग्राम फॉर द दिस लैंग्वेज, कि स्टार्टिंग विथ स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ डिफरेंट सिंबल। तो दिस इज द सेकेंड पार्ट क्वेश्चन। नाउ द एनीबडी हैव एनी डाउट इन दिस? नो। Now take the third part of this question. वो जो हम Q0 का, Q0 को अगर B दे तो उसको Q1 पे दे दें, और फिर Q1 को A दे तो उस पे फिर Q2 पे चले जाएं, ऐसे नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कि आप सपोज करो यहाँ पे क्या, Q0 को जब आपने A दिया तो आपने कहा Q1 पे, और Q0 को अगर हम B दें तो इसको भी यहाँ कनेक्ट कर दे, और फिर Q1 से आप दो रास्ते बनाना चाहते हो। यस मैम। आप ट्राई करके देख लेना कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है स्ट्रिंग में। You can try that, okay? आप यहाँ पे देख लो, चलो आपके क्वेश्चन को हम यहाँ पे ले लेते हैं। इन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर A और कॉमा B दिया, और ये रहा Q1 पे किया, then A। अब यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं, B मिला तो हमने Q2 पे भेज दिया, और अगर A को तो हमने यही रिपीट कर दिया, तो अगर अब यहाँ रिपीट कर दिया तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा। आगे अगर आप यहाँ पर फिर इस वाले A को हटाते हैं तो B मिला तो यहाँ भेज दिया, अगर इसका A मिला तो हम कहाँ भेजे यहाँ पे? मान लीजिए आपने कहा Q3 पे भेज देते हैं, Q3 पे भेजा तो ये A A। अब देखो इसमें क्या है कि अगर आपने Q3 को यहाँ पर फाइनल स्टेट बनाया बेटा, तो दिक्कत क्या आ रही है, A लिया फिर A के बाद ये A रास्ता आ जाएगा, तो डबल A भी आ जाएगा, इवन डबल बी भी एंडिंग हो जाएगा। ये बी हो गया ना देखो, तो ये प्रॉब्लम आएगी अगर आपने यहाँ से इसको दो रास्ते दिए तो। तो यहाँ पे सिमिलर सिंबल नहीं लेना, हमें क्या लेना है कि अगर स्टार्टिंग विथ ए है तो एंडिंग विथ बी होना चाहिए, बट ड्यू टू दिस आपने यहाँ पे दोनों को एक साथ रख दिया, तो दोनों एक रास्ते के बाद आपने डिवाइड किया, तो यहाँ पर देखो गड़बड़ आ गई, डबल ए भी एंडिंग हो जाएगा, डबल बी भी, जो कि हमारी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है। गॉट द आंसर? ओके मैम। जब भी आपके दिमाग में आए ना तो आप उसका डायग्राम ड्रॉ करो, यू विल गेट द आइडिया कि हम जो बना रहे हैं सही है कि नहीं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इन दिस, कि हमने क्या लिया कि स्टार्टिंग और एंडिंग कैरेक्टर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अभी हमने पिछला क्वेश्चन लिया डिफरेंट होना चाहिए, अब इसमें क्या ले रहे हैं, सेम होना चाहिए। तो यानी कि सेम के दिमाग में आपका तो ये आएगा कि डबल ए हो सकता है, डबल बी हो सकता है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग सेम हो रहा है, देन ट्रिपल ए भी हो सकता है, फोर टाइम्स बी भी हो सकता है, इवन आप ले सकते हो ए बी और लास्ट में फिर ए कर दिया, फिर इसी तरह से बी ए देन अगेन बी ए। बट आप यहाँ पे देखो कि ये तो मैंने ये सारी स्ट्रिंग्स ऐसे बनाते चले गए कि ये आदमी के माइंड में ही होता है कि स्टार्टिंग विथ ए एंडिंग विथ ए, तो यानी डबल ए तो मिनिमम होगा। नो, यू कैन टेक सिंगल ए सिंगल बी, इसको आप एज अ स्टार्टिंग भी कंसिडर कर सकते हो, एंडिंग बी भी, ये भी क्या स्टार्टिंग विथ बी और एंडिंग विथ बी हो गया, साथ ही साथ एप्साइलन भी होगा। क्यों लेंगे एप्साइलन, अभी मैं आपको जवाब दे रही हूँ। आप देखिए अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये देखो डबल लेंथ की स्ट्रिंग है, ये डबल ये भी है, ये ट्रिपल वाला भी एक्सेप्ट हो रहा है, फोर वाला भी एक्सेप्ट हो रहा है, फाइव वाला भी। तो आप देखिए इस सीरीज में क्या हो रहा है, टू थ्री फोर फाइव लेंथ वाली सारी स्ट्रिंग आ रही है, इसका मतलब ऑड एंड इवन का सारा कॉम्बिनेशन। व्हेन आई सेड कि दिस वन इज ऑल्सो हियर, सिंगल लेंथ वाले भी इसमें कंफर्टेबल है, क्यों, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ ए एंड बी आ रहा, तो ये भी उस चीज को ओबे करेगा।
तो इसका मतलब जब यहाँ पर ये पूरी सीरीज आ रही है और नेचुरल नंबर की जो सीरीज होती है दैट मीन्स आपका होल नंबर 0, 1, 2 तो और जीरो को हम हमेशा इवन की सीरीज में कंसीडर करते हैं. तो दैट मीन्स अगर किसी नंबर में जीरो है, लेंथ उसकी स्ट्रिंग की जीरो है, तो यू कैन कंसीडर एज अ इवन. अगर एप्सिलॉन है तो हम क्या कहेंगे, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग कैरेक्टर सेम है. बात मेरी समझ रहे, इस लॉजिक को समझो. तो इस सीरीज के अंदर यहाँ पर क्या होगा, एप्सिलॉन भी आएगा, सिंगल ए भी आएगा, सिंगल बी भी आएगा, साथ में जो आपको क्लियर है वो तो आएगा ही आएगा, जो आपके माइंड में पिक्चर है वो तो रहेगा ही रहेगा. तो लेट्स टेक दिस कि इसका डिजाइनिंग हम कैसे करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो बनाएंगे वो मिनिमम वाले के लिए हम बनाएंगे. अभी मैं एप्सिलॉन के लिए नहीं बना रही हूँ, मिनिमम एप्सिलॉन नहीं है. तो यहाँ पे मिनिमम स्ट्रिंग हमारी ए है. तो लेट्स टेक, मैंने यहाँ पे लिया क्यू नॉट को, जब ए मिला तो हमने इसे क्यू वन पे भेजा और इसी को फाइनल बना दिया. ठीक है, इसी तरह से जब क्यू नॉट को हमने बी दिया तो हमने यहाँ पे Q2 लिया और इसे फाइनल बना दिया. अब रहा ये एप्साइलन, एप्साइलन को कवर करने के लिए हम इनिशियल को ही फाइनल बना देते हैं तो एप्साइलन भी कवर हो गया. तो ये डायग्राम था इन तीन लोगों के लिए, ये एप्साइलन ए एंड बी. बट व्हाट अबाउट द डबल ए डबल बी जिनका सेम हो कैरेक्टर. तो अब देखिए क्यू नॉट से ए मिला, क्यू वन पे पहुंचे, अगर मुझे डबल ए करना है तो क्यू वन को भी तो ए मिलेगा. अगर ए मिला तो मैंने कहा तुम यहीं घूम जाओ कितनी बार भी, ये यहीं पे आ जाएगा. डबल ए ट्रिपल ए जितने बार भी आएगा एक्सेप्टेबल है. इसी तरह से बी से स्टार्टिंग हुआ, तो अगर डबल ए डबल बी ट्रिपल बी कुछ भी हो तो हमने कहा इसका बी भी यहाँ घूम जाओ. बट व्हाट अबाउट द क्यू वन को अगर बी मिलता है तो मैंने इस बी को यहाँ पर डेड के ऊपर भेज दिया. डेड के ऊपर भेजा तो यहाँ पर आ गया, मान लीजिए मैंने इसका नाम रखा क्यू थ्री. क्यू थ्री को हमने यहाँ पर डेड पे इसलिए भेजा क्योंकि हमें क्यू वन का यहाँ पर सेम सिंबल लेना है, आइदर डबल ए डबल बी हो, ट्रिपल ए ट्रिपल बी हो, इस तरह का फोर टाइम्स हो. तो हमने यहाँ पे जैसे ही बी मिला तो हमने इसे यहाँ पर क्यू थ्री के पास भेजा. और क्यू थ्री आई मीन ये बी पे ख़त्म नहीं होगा ना, बी आगे बढ़ गया. अब क्यू थ्री को भी दो चीज़ें मिलेंगी, या तो बी मिलेगा, बी मिला तो हमने कहा तुम यहीं पे घूम जाओ, ए मिला तो इसको वापस भेज दिया हमने. क्यों, अगर देखिए यहाँ पे ये वाली भी सीरीज तो आ सकती है ना, ये ए फिर ये बी हुआ फिर यहाँ पे ए हुआ और वापस यहाँ पे. तो ए देखिए सेम एलिमेंट एक्सेप्टेबल है ना, बी बढ़ा तो ये नॉन फाइनल स्टेट पे है. नॉन फाइनल स्टेट पे है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे एंडिंग विथ ए हो जाएगा. इसी तरह से इसमें भी हम करेंगे कि अगर यहाँ पे क्यू टू को ए मिलता है तो हमने इसे यहाँ पे क्यू फोर के पास भेज दिया. क्यू फोर हमारा एक नॉन फाइनल स्टेट है. अब यहाँ पर इसको क्यू फोर को अगर ए मिलता है तो हमने कहा तुम यहीं रहो, बट अगर बी मिलता है तो वापस इस फाइनल पे चले जाओ. तो दिस इज द डायग्राम. अब देखिए Q4 का भी A और B जस्टिफाइड है और यहाँ पर एंडिंग विथ B हो रहा है, ये B और यहाँ पर देखिए ये, तो Q4 का जो B होगा वापस यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ इसी तरह से ये है. एनीबडी हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन. तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये सेम सिंबल वाले हैं. अगर आप यहाँ पे जस्टिफाई करिए तो हमारा Q1 Q2 एंड Q0 जो है यहाँ पे फाइनल स्टेट है फॉर दिस क्वेश्चन.